समझ कर गुजारी पांच रातें। बॉक्स खोला तो उड़ गए होश। अब खबरें विस्तार से। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ली आखिरी सांस। पूर्व रक्षा मंत्री 88 साल की उम्र में निधन हो चुका है। वह काफी लंबे से बीमार चल रहे थे। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि वह वाजपेयी सरकार के मंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश उज्जैन के पास कार और वैन में भिड़ंत, 3 बच्चों समेत 12 की मौत। नागदा से शादी समारोह से लौट रहे थे उज्जैन के लोग की वैन की टक्कर से मौत हो गई। हादसा शहर के 12 किलोमीटर दूर उन्होल रोड पर सोमगढ़ के पास हुआ है। सोमवार की रात 12 बजे यह हादसा हो चुका था, जहां 3 बच्चे समेत 12 की मौत हो चुकी है। बे इंतहा प्यार अगर जरा सा भी चक आ जाता है तो वह इंसान की जिंदगी कैसे तबाह कर देता है, यह गुरुग्राम की घटना से समझा जा सकता है। इस मामले में एक अनजान शख्स भी लपेट में आया है और जब उसके सामने मामला खुला तो वह पूरी तरह से हिल गया। दरअसल अवैध सम्मेलन के शक में कैब चालक ने गला घोटकर 1 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने हत्या के बाद शव कैब चालक के पलंग में छिपा दिया और यह वारदात देखकर फरार हो चुका है। तो खबरों में आ